भागुरा नेता मनोज महात्रे की जो हत्या हुई है तो बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी और मैं उसकी पूरी निंदा करता हूँ। खुलेआम भिवंडी शहर में मर्डर हो जाता है, मुख्य आरोपी प्रसाद महात्रे उनके लोग खुलेआम घूम रहे हैं, पुलिस अभी 13 दिन हो गई, 13 दिन होने के बावजूद भी उनको गिरफ्तार करने में नाकाम रहे हैं। कोई और आरोपी को उन्होंने गिरफ्तार किया है, लेकिन मेरा तो सीधा सवाल है कि इस क्षेत्र के जो सांसद हैं और उनके जो यहाँ के कपिल पाटिल हैं और उनके जो MLA इस क्षेत्र के, उनके उनको खुलेआम, उनका खुलेआम समर्थन ये सब आरोपी को है ऐसा लोग सभी लोग कहते हैं। और उनकी तो मिली, उनका तो आना जाना है, उनकी मिली भगत है, उनके व्यावहारिक तौर पर इनके संबंध है। अगर पुलिस उनके लिए उसकी जांच क्यों नहीं कर रही है, किस दबाव में पुलिस काम कर रही है, ये समय समझता हूँ। और मुझे मानना है कि निश्चित रूप में पुलिस भी जनता को गुमराह करने की बात करती है। ये राज्य सरकार का मैं समझता हूँ कि सरकार की नाकामी है। और 6 तारीख से हमारा जो विधानसभा सत्र शुरू है, जो बजट सेशन शुरू हो रहा है, मैं ये कहूँगा कि अगर 6 तारीख तक अगर आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जाए, अगर इसके कारण के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई नहीं की जाए, तो हम समागम नहीं चलने देंगे। राज्य के मुख्यमंत्री जो गृहमंत्री भी हैं, उनके भी इस्तीफा हम सरकार की समागम में मांगेंगे।